लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अमरावती सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसी के मद्देनजर लोकसभा प्रत्याशियों द्वारा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में कांग्रेस के प्रत्याशी बलवंत वानखड़े द्वारा प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। बलवंत वानखड़े को कल अमरावती के माली समाज ने समर्थन दिया, जहाँ कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जब प्रचार सभा को बलवंत वानखड़े विधायक यशोमती ठाकुर ने संबोधित किया, तो वहीं माली समाज के वानखड़े ने आभार व्यक्त किए। निवडणूक सुरू झाली, मग कोणी महासंघाचा पाठिंबा झाला, कोणी समाजाचा पाठिंबा दिला, नंतर का धनगर समाजाला पाठिंबा दिला, त्या पूर्वी मराठा सेवा संघ आणि संभाजी ब्रिगेडला पाठिंबा दिला, आज आपण पाठिंबा दिला। खरच कंदिरवाला आवत नाही, एवढे सगळे तर माझा जो राजकीय प्रवास आहे, राजकीय जीवन आहे, हो आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की ग्रामपंचायतचा सदस्य तो नंतर 5 वर्षानंतर सरपंच झालो। सरपंच असतानाच जिल्हा परिषदेची निवडणूक लागली आणि जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून गेलो, त्यासाठी सरपंच पदाचा आयोग मग जिल्हा परिषदात दुसऱ्यांदा निवडून आलो, सभापती झालो, विधानसभेची निवडणूक आली, मग जिल्हा परिषदेच्या सभापतीचा राजीनामा झाला। जनतेचा पाठिंबा असल्यामुळे ही लढाई जी आहे ती जनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती असल्यामुळे, जनशक्ती माझ्या पाठीशी असल्यामुळे मला आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागेल, ही निश्चित आहे। आपको बता दें कि अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं, बडनेरा, अमरावती, तिवसा, दरियापुर, मेलघाट और अचलपुर। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की अमरावती हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि अपने उग्र भाषणों के लिए चर्चा में रहने वाली नवनीत राणा इस सीट से चुनाव लड़ रही है। अमरावती से निर्दलीय मौजूदा सांसद राणा हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल हुए और भगवा पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। राणा और एमबीए उम्मीदवार और कांग्रेस नेता बलवंत बसवंत वानखेड़े के बीच सीधा मुकाबला है। इसी मुद्दे को लेकर विधायक यशोमती ठाकुर से बातचीत की है। अमरावती लोकसभा में जो है दूसरे चरण में मतदान होना है, लोकसभा का जो है यहाँ पर माहौल दिख रहा है, यहाँ पे चुनाव का प्रचार प्रसार जो है जोर से शुरू है। यहाँ पे बलवंत वानखेड़े जो महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके प्रचार की सभा यहाँ हो रही है। हमारे साथ यशोमती ठाकुर है, उनसे हम जानेंगे चतुष्कोणी लड़त जो है अमरावती लोकसभा में दिख रही है, क्या बताओ? मेरे समझ से वन साइडेड है, पंजा जीत रहा है यहाँ पे। जिस तरह हमने देखा कि जब से लोकसभा चुनाव जाहिर हुए उसके बाद जिस तरह से अमरावती में सियासती राजनीति दिख रही है, जिस माहौल है, हमने देखा कि जिस तरह से पार्टी जो नवनीत राणा यहाँ से है उनके उन्हें समर्थन नहीं दिया जा रहा, जिस तरह से पूरी ये सियासत अमरावती में बनी, उसका कितना फायदा होगा? ऐसा है कि ये जो जिला है ये राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज और गाड़गे महाराज के विचारों का जिला है, ये भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख इनके विचारों का जिला है, और यहाँ पे सर्वधर्म संभाव बड़े पैमाने पे हमेशा ही इसके ऊपर विश्वास किया गया है। इसको तोड़ने मोड़ने की कोशिश बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे यही रहेगा और कांग्रेस ही जीतेगी। धन शक्ति के विरुद्ध जो लड़ाई है, ऐसा हम जनमत है कि धन शक्ति के विरुद्ध लड़ाई है। सामने का बजट कितना है अभी कोई 60 कहता है, कोई 100 कहता है, हमारा तो कंट्रीब्यूशन से शुरू है सबका, जिसको जो पॉसिबल होता है वो करते हैं, लेकिन हमारा जो उम्मीदवार है वो सही मायने में संवैधानिक रीतिया आप देखें तो वो सही मायने में वो एक लायक उम्मीदवार है, एक कनखर है, होशियार है, जो समाज कल्याण के हॉस्टल में रहकर एक एक पायरी उसने सामने ली है, वो यहाँ पे खड़ा है और बहुत व्यापक विचारों से वो चल रहा है, वही जीतेंगे। अपील, एक अपील,
मेरी सभी से गुजारिश है 2 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है अमरावती में से महाविकास आघाड़ी से पंजा ये बोध चिन्ह के ऊपर आदरणीय हमारे आमदार बलवंत दादा वानखड़े खड़े हैं। 2 नंबर का बटन है, आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए, 2 नंबर का बटन दबाइए, पंजा को जीता के लीजिए। जय हिंद जय महाराष्ट्र। तो हमने देखा ये थे यशोमती ठाकुर और यहाँ पे जो है उन्होंने अपील की है कि पंजा को मतदान कीजिए, 2 तारीख 26 अप्रैल को यहाँ पे जो है चुनाव होने हैं, ऐसी अपील उन्होंने यहाँ की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मौर्य के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।